तो आज हम बात करेंगे इस विवाद के बारे में और इस विवाद से आखिर किसका दुकान चल पड़ेगा उसके बारे में। तो भाई देखिए, हमारे वीडियो पे अक्सर ऐसा कमेंट आते रहता है कि अब तुम्हारा दुकान जो है दुगनी तिगनी चौगनी तरक्की करने लगेगा, तुम्हारा दुकान वापस से खुल गया क्योंकि भोजपुरी में अब विवाद आ गया। तुम लोग विवाद लाए हो, तुम लोग के कारण विवाद आया है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि वो मूर्ख आदमी आखिर साला मतलब इतना जातिवाद कैसे हो सकता है कि लोग देखे तक नहीं कि आखिर विवाद कर कौन रहा है। विवाद कहां से स्टार्ट होता है? खेसारी लाल यादव के लाइव से। विवाद क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि पवन सिंह के कोई यूट्यूबर्स लोग उनको ये कह रहे हैं कि तुम इस लायक आखिर क्यों नहीं, जहां पवन सिंह जा रहे हैं, जहां पवन सिंह बॉलीवुड में पवन सिंह को गाना मिल रहा है, आखिर तुमको क्यों नहीं, अब यही लकीर पे तुमको रेंगना पड़ेगा। तो अब इस बात को समझो, चाहते अगर खेसारी लाल यादव ना तो पवन सिंह को फोन मिलाते, हेलो पवन भैया, अरे का सुनता नहीं महाराज, हमारा बारे में ऐसे ऐसे कहा था राव यूट्यूबर, ये सब बोल के और अपना मामला को सॉर्ट आउट कर सकते थे और अपने बेइज्जती होने से बचा सकते थे खेसारी लाल यादव। लेकिन वह ऐसा बिल्कुल और हरगिज नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको इस चीज से 0% भी फायदा नहीं होने वाला है अगर वो विवाद को आने ही न दें। पता है क्यों? जब भी खेसारी लाल यादव का गाना बहुत ज्यादा संख्या में व्यूज नहीं बटोर पाता है ना, तब खेसारी लाल यादव ये विवाद का कार्ड खेलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पवन सिंह पे अगर वो कोई रिएक्शन करेंगे या उंगली करेंगे ना, तो उनको पता है कि यूट्यूबर्स इस विषय पे बात करने लगेगा, और जब बात इस विषय पे होने लगेगा ना, तो एक तरफा ध्यान पूरे यूट्यूबर्स का, पूरे व्यूअर्स का सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की तरफ रहेगा, और हर एक न्यूज इन्हीं के बारे में आता रहेगा। अब इनका गाना आएगा खेसारी लाल यादव का, जिनको व्यूज का कमी है, एक को तो व्यूज का कोई कमी ही नहीं है, एक एक दिन में 20-20 मिलियन व्यूज जाता है, और जिसको कमी है वो विवाद करता है, और लोग अब देखने लगते हैं कि खेसारी लाल यादव में क्या चल रहा है। अब खेसारी लाल यादव सर्च लिस्ट में आने लगते हैं और YouTube, Google, Facebook हर एक चीज रिकमेंड करने लगता है लोगों को खेसारी लाल यादव का नया गाना, और कमेंट करने वाले उनके बेवकूफ फैंस को यह समझ में नहीं आता कि आखिर विवाद क्यों आता। सब समझ में है, बस यहाँ पे उतियापा चलता है। उतियापा इसलिए कि हम गलत नहीं हो सकते, हमारा बाप गलत नहीं हो सकता। यही भाई, यही यही सच है, तुम्हारा बाप बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। बस किसी को उंगली कर देता है, बस किसी को इतना बता देता है कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे पास क्या है, बस किसी को इतना बता देता है कि समाज में आकर तुम्हारा छवि क्या है। मतलब इन्हीं सब चीजों को दिखा के खेसारी लाल यादव पवन सिंह को हमेशा से बदनाम करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे। लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से गले लगते हैं ना भाई रवि किशन के कहने पे, आज हमको हंसी उस चीज पे आ रहा है, भाइयों में वार्तालाप हो जाए, झगड़ा हो जाए, फोन कर लो, परिवार पे नहीं जाने का, लो और करो दोस्ती, और बेहतरीन तरीके से दोस्ती करते तो और मजा आता। मतलब इसी तरीके से होना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों का, जो मतलब दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाते और दिल लगा लेते हैं, और दिल लगाने का हासिल कुछ इसी प्रकार से होता है भाई। समाज से लेके परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर करा लो, लेके परिवार से लेके हर चीज में कंपेयर करा लो। और गाइए गाना, तोहरा जैसन भाई कहा, तोहरा जैसन यार कहा। खैर अगर भाई बोले हो तो भाई छोटा मोटा मजाक कर दिया करता है, और इस चीज को कोई भी रिएक्शन मत दीजिएगा, हम तो यही कहेंगे।